हाँ भाई, क्या हाल है? तो चलिए, हम हाजिर हैं आप लोग के बीच प्रोग्रेशन का पार्ट 13 को लेकर के। पार्ट 12 में अपन देखे थे सम ऑफ इन नेचुरल नंबर। आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इन नेचुरल नंबर और सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द क्यूब ऑफ इन नेचुरल नंबर। यहाँ पे जब हम देखे थे तो लगातार इन नेचुरल नंबर को देखे थे लास्ट सेशन में, फिर इवेन टर्म्स भी देखे थे, ऑड टर्म्स भी देखे थे। सिमिलरली इन स्क्वायर के लिए भी, इवेन के लिए भी, ऑड के लिए भी, इन क्यू के लिए भी अपन इवेन और ऑड दोनों देखेंगे। तो आई होप आप जो लोग पहली बार देख रहे हैं, पार्ट वन से देखना जरूर प्रोग्रेशन का शुरू कीजिए। अच्छा लगे तो जरूर लाइक, कमेंट और शेयर अपने दोस्तों के बीच कीजिए। यदि आप चाहते हैं आईजी ट्यूटोरियल्स को सपोर्ट करना, तो आपके स्क्रीन पे एक पेटीएम नंबर आ रहा है, पेटीएम नंबर पे आप सपोर्ट कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं तो। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर एड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग का जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। इसका कहने का क्या मतलब है कि आपको निकालना होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ऐसे करते करते हुए यदि आपको n पदों का योग यानी कि n स्क्वायर तक निकालना हो, तो आप में से ऑलमोस्ट 95% 99% लोगों को पता होगा कि इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। तो थोड़ा सा इसके फॉर्मूला का डेरिवेशन को भी अपन देखेंगे कि कैसे ये फॉर्मूला आता है, ताकि आपका बेसिक पूरा क्लियर हो जाए, फिर अपन इस फॉर्मूला को यूज करके क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए, फॉर्मूला कैसे आता है उसको देखते हैं। तो वो जो फॉर्मूला आता कैसे है, देखिए, सपोज आपको एन प्लस वन का होल क्यू लिखना है, तो अब आप क्या लिखेंगे कि एन क्यू प्लस 3n² + 3n + 1 लिखेंगे। अब आप क्या कीजिए, एन क्यू को एक साइड ले जाइए, तो एन क्यू माइनस एन प्लस वन का होल क्यूब लिखिए, या आप इसको एन क्यू को रहने दीजिए, इसी को एक साइड ले आइए। किसको एक साइड लाना है उसको देख लीजिए, आप एन प्लस वन को एक साइड इधर ही रहने दीजिए, तो इसको आप एन प्लस वन का होल क्यूब माइनस एन क्यूब बराबर आप लिख सकते हैं क्या, 3n² + 3n + 1। अब आप क्या कीजिए, वैल्यू पुट करते चले जाइए। एन का वैल्यू जब आप 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब - 1 का क्यूब बराबर राइट साइड में क्या आ जाएगा, 3 × 1 का स्क्वायर + 3 × 1 + 1 आ जाएगा। चलिए आगे, यदि आप एन का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये चीज आ जाएगा कि 3 क्यूब - 2 क्यूब बराबर आपका 3 × 2 का स्क्वायर + 3 × 2 + 1 आ जाएगा। जब n का वैल्यू आप 3 रखेंगे तो ये चीज क्या आ जाएगा, 4 क्यूब - 3 क्यूब बराबर 3 × 3 का स्क्वायर + 3 × 2 + 1 आ जाएगा। ऐसे सिमिलरली करते चली जाएंगे तो ये आपका जो n प्लस 1 का क्यूब आ जाएगा जब आप n बराबर n रखेंगे, माइनस n क्यूब बराबर आपको क्या आ जाएगा, 3 × n² + 3n + 1। अब आप क्या कीजिए, सारे पदों को जोड़ दीजिए, तो अब आप देखेंगे कि 3 का क्यूब जो है यहाँ पे, 2 का क्यूब यहाँ है, फिर माइनस में 2 का क्यूब है। तो ऐसे डायगोनली जो है हर एक टर्म कटते चला जाएगा। तो ऐसे ही प्रीवियस टर्म से एन क्यूब और यहाँ का एन क्यूब कट जाएगा, तो आपके पास बचा क्या, एन प्लस वन का होल क्यूब माइनस आपके पास ए वन क्यूब बचा हुआ है यानी कि 1 बराबर क्या हो जाएगा। देखिए, यदि आप गौर करेंगे तो फर्स्ट टर्म वाले सारे पैटर्न को यदि आप देखेंगे, फर्स्ट टर्म के सारे पैटर्न को देखेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 3 गुना ये आपको क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + होते होते n का स्क्वायर तक जाएगा। सिमिलरली यदि आप ए वाला टर्म को देखेंगे, ए वाला टर्म यदि आप देखेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 3 × 1 + 2 + 3 + ……n तक जाएगा। और एक कितनी बार जोड़ा गया है, एक को एन टाइम जोड़ा गया है, तो एन आ जाएगा। तो इस चीज को आप समझिए, आगे आपको क्या दिया गया है उसको देखिए। ये आपको एन प्लस वन का होल क्यूब में से यदि आप एक घटा देते हैं, तो आपको आपके पास क्या बचेगा, आपके पास जो बचेगा वो बच जाएगा क्या, एन क्यूब प्लस 3n² + 3n। अब आपको इस वाले चीज को आप 3 सिग्मा ऑफ
एन स्क्वायर, जहां पे एन का वैल्यू कहाँ है, एक से लेके एन तक, प्लस सेकेंड वाले टर्म को थ्री ऑफ सिग्मा इंटू एन प्लस एन बोल सकते हैं। अब एन को उस साइड ले जाएंगे तो देखिए थ्री इंटू सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर आपको क्या आ जाएगा, एन इस साइड आएगा तो ये चीज हो जाएगा एन क्यू प्लस थ्री एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस थ्री इंटू सिग्मा एन का वैल्यू, सिग्मा एन का वैल्यू वन से लेकर के एन तक है तो थ्री इंटू इसका वैल्यू क्या होता है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर एन इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है। अब इसको कर दीजिए, क्या करना है आपको देखिए, अब इसको पहले तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं, यदि आप एलसीएम ले सकते हैं तो आगे क्या करना है वो देखते हैं। तो इसमें से आप फर्स्ट में देखेंगे यदि आपको हर एक टर्म में एन कॉमन है तो एन को बाहर ही ले लेते हैं हम लोग, फिर आपके पास क्या बच जाएगा एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस टू प्लस थ्री एन इंटू एन प्लस वन बाई टू आ गया। अब आप क्या कीजिए टू एलसीएम ले लीजिए तो एन बाई टू आ जाएगा, टू एलसीएम लेंगे तो ये आपको क्या आ जाएगा टू एन स्क्वायर प्लस सिक्स एन प्लस फोर, और ये चीज जो है आपका माइनस में चलते चला जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, थ्री एन इंटू एन क्या आ जाएगा थ्री एन स्क्वायर माइनस थ्री एन आ गया। अब आप इसको देखिए ये आपको एन बाई टू आ गया, आगे क्या है देखिए आप आगे जो होगा आपको टू एन स्क्वायर और यहाँ पे थ्री एन स्क्वायर, ओके तो इसमें से एन निकाल लिए हैं तो एन स्क्वायर नहीं होगा, ये एन यहाँ भी नहीं होगा तो टू एन स्क्वायर ऐसे ही रह गया, सिक्स एन में से थ्री एन आप यदि घटा देते हैं तो आपको पास क्या बच जाता है थ्री एन, फोर में से थ्री घटाएंगे तो वन आ जाएगा। अब देखिए इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं एन बाई टू, टू एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस वन को आप ऐसे भी बोल सकते हैं क्या एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन, इसको गुना करेंगे यदि आप तो वही आ जाएगा टू एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस वन। तो ये देखिए आपको किसका वैल्यू है थ्री इंटू सिग्मा एन स्क्वायर का वैल्यू, तो यानी कि सिग्मा एन स्क्वायर का वैल्यू एन से लेकर के एन वन से लेके एन तक जाएंगे तो क्या आ जाएगा थ्री से डिवाइड कर देंगे यानी कि एन बाई सिक्स इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन आता है। ये चीज मैं क्यों बताया हूं कि हो सके इसके कारण आपका बेसिक थोड़ा सही हो जाए। तो इसका मतलब कि सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर क्या आया एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, ए आपका ओरिजिनल फॉर्मूला हो गया। आप फॉर्मूला को एकदम याद कर लीजिए, बिना याद किए इसको कोई यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, बिना याद किए आपका काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका जो सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड या इवन नंबर का क्या होता है। तो आगे आपको देखना है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स यानी कि दो का स्क्वायर, चार का स्क्वायर प्लस छः का स्क्वायर प्लस आठ का स्क्वायर, एन टर्म्स तक देखना है। यहाँ से आप एक चीज क्या कर सकते हैं कि दो का स्क्वायर सब में से यदि आप कॉमन लेंगे तो ये चीज बन जाएगा वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर, कहाँ तक जाएगा ये एन टर्म्स तक जाएगा। अब आपको एन टर्म्स इतना का तो आपको फॉर्मूला पता है तो ये चीज एक्चुअल में क्या हो जाएगा चार गुना एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला को आप ऐसे भी बोल सकते हैं क्या टू एन बाई थ्री इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन, इस फॉर्मूला को आप ऐसे ही बोल सकते हैं यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन इवेन नंबर्स क्या हो जाएगा टू एन बाई थ्री इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन। बट मैं यहाँ पे फॉर्मूला आपको यूज करना एकदम जरूरी नहीं समझता, फॉर्मूला यदि आपको याद हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं याद हो रहा है तो आप इस प्रोसेस को देखिए कि प्रोसेस में आपने क्या किया है, दो का स्क्वायर प्रत्येक टर्म से आप कॉमन ले सकते हैं, लेने के बाद जो हो जाएगा वो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर यानी कि स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर का ही फॉर्मूला आ जाता है। यानी कि जब आप इवेन नंबर यदि आप करते हैं तो उसमें एक्चुअली में आप क्या करते हैं चार से गुना करना पड़ता है, उसमें जितने भी पद का योग है उसमें आपको एक्चुअल में क्या किया आपने चार से गुना किया है, तो इस चीज को याद रखिए। चलिए ऑड नंबर वाला देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स यानी कि वन का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर प्लस सेवन का स्क्वायर, कितने पदों तक एन पदों तक। यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको चीज जनरल फॉर्मूला बताऊंगा कि जनरल फॉर्मूला नहीं बोलकर जनरल टर्म क्या हो जाएगा इस वाले सीरीज का, आप जनरल टर्म किस फॉर्म में आप कर सकते हैं। देखिए पिछले जो इवेन वाला था वहां से आपने दो कॉमन लिया था बट यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे जनरल टर्म यानी कि टी ऑफ एन,
जनरल टर्म का जो फॉर्मूला टी ऑफ एन ऐसे बोल सकते हैं, पहला पद एक का स्क्वायर, दूसरा पद तीन का स्क्वायर, तीसरा पद पांच का स्क्वायर, यानी कि जो जनरल टर्म है वो आपको 2n-1 का होल स्क्वायर है कि नहीं है। यदि आप n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2-1 एक का स्क्वायर आ जाएगा, n का वैल्यू 2 रखेंगे यानी कि दूसरा पद क्या आ जाएगा, 2 दूना 4-1 3 का स्क्वायर, तीसरा पद यानी कि n का वैल्यू 3 रखेंगे 2 तिहाई 6-1 5 का स्क्वायर, चौथा पद 7 का स्क्वायर, यानी कि ये आपका जनरल टर्म आ गया। जनरल टर्म जैसे ही आया तो आपको करना क्या है, इसी जनरल टर्म का यानी कि 2n-1 का होल स्क्वायर ही तो निकलना है, जहां पे n का वैल्यू क्या है, 1 से लेकर के n तक है। अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4n² - 4n+1 आ जाएगा। अब आप सिग्मा को अलग अलग भी कर सकते हैं, तो शुरू में क्या आ गया, 4n² सिग्मा का n का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, माइनस 4 × σ(n) जहां पे n का वैल्यू 1 से लेके n तक, प्लस σ(1) जहां पे n का वैल्यू 1 से लेकर के n तक है। अब देखिए जनरल फॉर्म में इसलिए इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूं कि आगे नेक्स्ट सेशन में जो भी क्वेश्चन आएंगे वहां पे आपको जनरल फॉर्म फॉर्म करना ही पड़ेगा। अब देखिए 4 × σ(n²) क्या होता है, n × n+1 × 2n+1/6 होता है, माइनस 4 σ(n) क्या होता है, n × n+1/2 होता है, प्लस यदि 1 को n बार जोड़ेंगे तो ये आपका n आ जाएगा। अब आगे क्या कर सकते हैं, आगे ज्यादा से ज्यादा 2 से यहाँ काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 से इसको काट सकते हैं 2 दूना 4 टाइम्स। अब देखिए अब आपके पास बच क्या गया, अब सारे में से n तो आप कॉमन ले ही सकते हैं, जैसे ही आप n कॉमन लिए तो आपके पास क्या बच गया, 2/3n × n+1 × 2n+1, n तो आपने कॉमन ले लिया तो नहीं होगा, यहां से आप ले लेंगे तो 2 × n+1 + 1 बच गया। अब आप देखिए n यहां पे रहने दीजिए, 3 LCM यदि ले लेंगे तो ये चीज क्या बच जाएगा, आप देखिए 2n और यहां पे इसको कॉमन लेंगे तो 2n × 2n 4n² आ गया, 2n × 1 2n आ गया, फिर 4n सिमिलरली 2 × 1 2 आ गया, माइनस 3 उधर जाएगा तो 3 × 6n 6n - 6 + 1 आ गया, बट्टे में आपको एक 3 तो है ही। अब क्या क्या कट सकता है देखिए आप, 4n और 2n 6n हो जाएगा जिससे ये 6n कट गया। ओके आगे आपके पास क्या बचा हुआ है वो देख लीजिए, ये 3 यदि आप यहां से एलसीएम लिए हैं तो ए टर्म भी आपको 3 हो जाएगा। अब यदि आप आगे देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, n × n/3 × 4n²(2, 3, 5) - 6 है, यानी कि -1, यानी कि सम ऑफ जो ऑड आएगा वो ऑड क्या आ जाएगा आपको, वो ऑड आएगा n/3 × 4n²(-1) आ जाएगा। फॉर्मूला यदि आपको ए वाला याद हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं याद हो रहा है तो सेम जनरल टर्म निकालेंगे और उसको सिग्मा पे बिठा करके अपन आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ पे आपको याद है या नहीं याद है हमको इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, मेरे को आपको समझाने का मतलब है कि आप जनरल फॉर्म निकाल पा रहे हैं कि नहीं, जैसे ही जनरल फॉर्म निकाल लिए आपका काम जो है बहुत आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग क्यूब वाला देखते हैं। अब जो नेक्स्ट है हम लोग का, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, मतलब कि 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब, ऐसे होते 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 आपको एन टर्म्स तक एन का क्यूब निकालना है। तो इसका मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, इसका डेराइव करके नहीं बताऊंगा, ये इसका फॉर्मूला होता है n × n+1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि इसको कहने का मतलब क्या हुआ कि सिग्मा ऑफ एन क्यूब क्या होता है, सिग्मा ऑफ एन का होल स्क्वायर होता है। ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा ऑफ एन का ही तो फॉर्मूला होता है, n × n+1/2 किसका फॉर्मूला होता है, सिग्मा ऑफ एन का, उसका यदि आप स्क्वायर कर देंगे तो सिग्मा ऑफ एन क्यूब निकल जाएगा। यदि आप डेराइव करना चाहते तो ऐसे डेराइव कीजिए, स्क्वायर के लिए अपन क्या किए थे, स्क्वायर के लिए आप n+1 का क्यूब माइनस
इनक्यू किए थे और जो आया था उसको लिख दिए थे, और जो जो कैंसिल आउट हुआ था बाद में किए थे। यहाँ पे करने के लिए चूंकि क्यूब है तो एन प्लस वन का पावर फोर माइनस एन फोर कीजिए, और यहाँ पे जो आए और सीधे नीचे जाते जाते तक आप पूरा का पूरा डेरिवेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है? तो आप समझ लीजिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला तो मैंने बता दिया। जब आपको यही चीज इवेन के लिए पूछा जाए, तो अभी आपने देखा था कि शुरू में जब स्क्वायर के लिए हुआ था तो हर एक टर्म से, यदि आप इसको ऐसे किया जाए, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब, यहाँ से होते होते एन टर्म्स तक यदि ये जाता है, तो यहाँ पे क्यूब्स में आप 2 का क्यूब यदि आप कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, अगेन सेम बेसिक फॉर्मूला पे आ जाएगा। इसका मतलब, करने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका बेसिक फॉर्मूला है ना, सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर, उसमें आपको 8 से गुना कर देना हो। 2 का क्यूब क्या होता है, 8। सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर वाले जब इवेन निकाल रहे थे तो सिग्मा 2 का स्क्वायर लिए थे, यानी कि 4 से गुना कर रहे थे, तो वैसे हो जाएगा। यहाँ पे ऑड टर्म्स की बात किया जाए, यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, होते 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 आपको जो है एन टर्म्स तक ये चीजें करनी पड़े। तो इसके लिए यदि आपको डेराइव करना हो तो सेम ऐसे कर सकते हैं, सिग्मा ऑफ इसका जनरल टर्म क्या आ जाएगा, अगेन सेम ही आ जाएगा, 2n-1 का होल क्यूब आ जाएगा। इसको एक्सपेंड करके हर एक टर्म में आप सिग्मा सिग्मा लगाते चले जाएंगे तो आपको एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है? यदि आपको दे दे कि यहाँ से लेकर के आपको 1 का क्यूब 3 का क्यूब 5 का क्यूब, यहाँ से आपको 9 के क्यूब तक निकालना है, तो वैसे ईजी है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 2n-1 का होल क्यूब, जहाँ पे एन का वैल्यू क्या है, 1 से लेकर के, चूंकि 9 का क्यूब जाना है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 होगा, तो एन से लेकर के 5 तक, और इसका समेशन आप लिख सकते हैं। यदि आप इसको फॉर्मूला भी डेराइव करेंगे तो इसका एक फॉर्मूला जो आएगा आपको, वो फॉर्मूला एक्चुअल में जो आएगा वो क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर इंटू 2n² -1 आ जाएगा। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको सारे फॉर्मूला को एक जगह पे बता दूंगा, बट मेन जो है इसके बेसिक को समझिए। यदि आप फॉर्मूला भूल गए तो आप इस स्थिति में होने चाहिए कि आप उस चीज को खुद से सॉल्व कर सकते हैं बिना फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, उसी चीज को आप जो है सॉल्व करते 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 एन के टर्म्स में, और एक फाइनल रिजल्ट जो आया उसको आपने फॉर्मूला का नाम दिया। तो चलिए उस फॉर्मूला को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए तीनों फॉर्म के लिए मैं इस फॉर्मूला को जो है आपके बीच फिर से एक बार लिख देता हूँ। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है। इसके इवेन वाले केस में क्या हुआ था, इवेन वाले केस में जो है आपको एन इंटू एन प्लस वन, अब देखिए यहाँ पे आपने सारे टर्म से 2 कॉमन लिया था तो इस वाले टर्म में आपको 2 से गुना करना पड़ा, जिससे कि इवेन वाला आ गया। ऑड वाला क्या आया था, एन स्क्वायर आया था। यदि आप स्क्वायर वाले चीज को देखेंगे, स्क्वायर वाले चीज में आपको क्या आ जाएगा, स्क्वायर वाले चीज में आपने देखा था एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6 आया था। स्क्वायर करने के लिए जब इवेन वाला निकालेंगे तो उसमें 4 से गुना किए थे, 4 से गुना करने पे आपको क्या आ जाएगा, 2/3 इंटू n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, तो था 4 से गुना किए तो 2/3 आ गया। इसका यदि आप इवेन का यदि निकालेंगे, ऑड का, सिग्मा ऑफ ऑड एन स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला आपने क्या निकाला था, n/3 इंटू 4n² -1 आया था। सिमिलरली क्यूब के फॉर्म में क्या आया था आपको, n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, सिग्मा एन का होल स्क्वायर आया था। इसी चीज को यदि ऑड में लेंगे तो यानी कि 8 से आपको गुना करना होगा, क्योंकि 2 क्यूब सब में से आप बाहर निकाल रहे हैं। 8 से जैसे ही गुना करेंगे तो ये चीज क्या आ जाएगा, 2n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर दिया मैंने, एन क्यू के फॉर्म में यदि ऑड वाले निकालेंगे तो ये क्या आएगा, n² इंटू 2n² -1 आ जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूला है, फॉर्मूला इतने सारे फॉर्मूला याद करना पॉसिबल नहीं है, बट यदि आप बेसिक के साथ स्टिक करेंगे आप सारे चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे इससे बेस्ट। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। ये आपको फॉर्मूला पता ही है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6, वही फॉर्मूला डायरेक्ट आप रख दीजिए यहाँ पे,
50 गुने 51 गुने 101 बटा 6 आ जाएगा। इसको काटेंगे तीन से, यदि आप काटेंगे तो 3 दूना 6 ये 17 टाइम जाएगा, 2 से काटेंगे 25 आ गया। तो आपको एक्चुअल में क्या आ गया, 25 गुना 17 गुना 101। अब आपके पास दो ऑप्शन है, इधर आप पूरा का पूरा सॉल्व कीजिए जो कि आपका टाइम ऐसे ही किल कर देगा, नहीं तो यदि आप देखेंगे 25 का मल्टीपल होने के लिए 0.5 तो लास्ट में कभी नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को आप नेगलेक्ट कर दिए। अब आप देख लीजिए कि कौन सा, जो इधर ए या बी, कोई एक या दोनों 17 का मल्टीपल है। ऑप्शन ए को चेक करते हैं तो 17 दूना 34, 8 बचा 17 पचे 85, उधर से 4 बचा 17 दूना 34, 8 17 पचे 85। ऑप्शन ए तो 17 से डिवाइड हो रहा है। बी को चेक करते हैं, 17 दूना 34, 9, 17 पचे 85, उधर 14 बचा 142 हुआ, 17 18 136, 6 ये नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि इसका डायरेक्ट आंसर आप ऑप्शन ए मार्क कर सकते हैं। सॉरी, इसको पूरा का पूरा गुना भाग करने की जरूरत नहीं थी, जा करिएगा गुना तो आपका टाइम किल होगा। तो थोड़ा सा इसमें, जब आपको इतना कैलकुलेशन करते वक्त बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, पहला तो यूनिट डिजिट का, फिर यदि आपको जरूरत पड़े तो डिजिटल सम का ध्यान रखिए, फिर जो है आपको जो जो रूल है आपका गुना भाग का, डिवाइडिंग रूल, उसको याद रखिए, उससे आपको कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल सेकेंड, एग्जाम्पल सेकेंड क्या बोला है कि प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल निकाले। ये सीधा आ जाएगा 30 गुना 31 गुना 61 बटे 6, 6 से इसको 5 टाइम्स काटेंगे, ये क्या आ जाएगा, 5 तिहाई 15, 155 गुना 61 आ जाएगा। एक चीज तो आपको देख के लग जाएगा कि इसका यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, मतलब कि ऑप्शन ए तो नहीं होगा, बी सी और डी में से ही कोई होगा। तो अब इसके लिए और आगे क्या कर सकते हैं, सारे के सारे 5 का भी मल्टीपल है, तो इसके लिए और कुछ देखा जा सकता है क्या, देखिए तो 155 को 61 से ऐसे गुना करने से फायदा है कि आप क्या कीजिए, पहले 61 को 100 से गुना कीजिए तो 6100 आ गया, फिर 50 से गुना कीजिए तो 3050 आ जाएगा आपको, फिर आप 5 से गुना कीजिए तो 305 आ जाएगा। इसको यदि आप ऐड करेंगे 61 और 30, 9125 आ जाएगा, और 305 कितना आ जाएगा, 9100 आ गया, ओके 3050 आएगा, ये तो ये चीज आ गया, कितना है, 9150 और 305 यानी कि 9455 आ गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, फाइंड द सम ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, कहाँ तक, 40 के स्क्वायर तक। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आप निकाल लीजिए, कितने टर्म्स होंगे, टोटल 20 टर्म्स होंगे। 20 टर्म्स जैसे ही आ गया तो चूंकि ये स्क्वायर वाला है और ये इवेन है, तो आप इसमें से 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे यानी कि 4। अब 20 टर्म्स तक के स्क्वायर का जो फॉर्मूला है लगा दीजिए, क्या आ जाएगा, 20 गुना 21 गुना 20 गुना 40 एक 41 बटा 6, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, 2 से इसको काटेंगे 10 मरतबे जाएगा। ठीक है, 10 टाइम्स जाएगा, तो ये चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि चूंकि ये 10 टाइम्स जा रहा है तो इसके लास्ट में 0 तो जरूर होगा, यानी कि ऑप्शन ए ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी और डी में से आपके पास बचा। ऑप्शन सी और डी में से और क्या कर सकते हैं, देखिए कि कोई 7 का मल्टीपल कौन सा है, 7 इकाई 7, 4 7 6 42, 2 7 4 28, ऑप्शन सी तो है। डी को चेक कीजिए, 7 इकाई 7, 4 7 6 42, 6 नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट गुना भाग करने की जरूरत नहीं है, इसको आप ऐसे करते क्या, 28 गुना 41 गुना 10, फिर इसको गुना करके यदि आप सारा कैलकुलेशन लाए तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए इसको बोला जाता है कि फास्ट कैलकुलेशन। आपको मैथमेटिक्स सॉल्व करते वक्त जो है आपको आपका जो कैलकुलेशन पावर है वो बहुत फास्ट होना चाहिए, आपको एक इमेजिनेशन और आपको एक कैलकुलेशन फास्ट ट्रिक का जो होता है उसके अप्रोच से जाना पड़ेगा, तब आप जल्दी जल्दी आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फाइंड द सम ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 29 स्क्वायर तक। यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो आप एक चीज तो जरूर पाएंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने होंगे, 25
15 टर्म्स हो जाएगा। तो आप एक चीज आप फॉर्म कर सकते हैं, जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, 2n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जहां पे एन का वैल्यू 1 से लेकर के 15 तक है, और आप इसको एक्सपेंड करके इसका आंसर ले सकते हैं। नहीं तो यदि आपके पास फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला क्या था आपको इसके लिए, यदि नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, ऐसे आप निकाल लेंगे। लेकिन यदि आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या, n/3 × 4n² - 1। अब देखिए n का वैल्यू 15/3, अब देखिए 4 × 15² 225, 225 चौका क्या हो जाएगा 900, 900 में से एक जाएगा 899 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 899। 3 से इसको काटेंगे 5 टाइम्स, अब इसको गुना कर दिए 5 × 9 = 45, 5 × 9 = 45, 4 × 49, 5 × 48 = 44, यानी कि 4495 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोला है, प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल निकालिए। अब सेम होता है n(n+1/2) का होल स्क्वायर, यानी कि 30 × 31/2 का होल स्क्वायर करना है, 2 से ये जाएगा 15, 15 × 1 = 15, 15 × 3 = 45, 465 का होल स्क्वायर, 30 नहीं है सॉरी, यहाँ पे 30 करने से ऑप्शन 30 के अनुसार नहीं दिया गया है, इंग्लिश में मैंने 40 टाइप किया है, तो ये भी आप 40 ले लीजिए, वैसे भी आप निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 40 × 41/2 का होल स्क्वायर, 2 से इसको काटेंगे क्या आ जाएगा 20 टाइम्स, यानी कि 820 का स्क्वायर। अब यदि आपको फास्ट कैलकुलेशन में इसका स्क्वायर निकालने का भी आपको यदि आइडिया है, तो देखिए 82 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 82 100 से 18 कम है, तो 82 से 18 कम जाएंगे तो कितना आ जाएगा 64, 64 और उधर 18 का स्क्वायर 324, यानी कि 6724 विल बी द करेक्ट आंसर, और चूंकि 820 है तो उस पर 2 जीरो आ जाएगा, 6724 पे 2 जीरो, ऑप्शन सी मैच कर रहा है, बाकी कोई नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोला है कि 2 का क्यूब + 4 का क्यूब + 6 का क्यूब + 8 का क्यूब 14 के क्यूब तक आपको सम निकालना है। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है ये आप निकालेंगे इजीली, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे इसमें, 7 नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा, कितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा, 7 नंबर ऑफ टर्म्स होगा। ओके अब ए निकल गया, तो चूंकि आपको पता है कि क्यूब में से 2 क्यूब हमेशा बाहर निकालते हैं, तो 8 से गुना करना पड़ जाता है। अब 7 जो है, 7 पदों तक लगातार जो है घनों का योगफल का फॉर्मूला आपको पता है, सिग्मा एन का होल स्क्वायर, यानी कि 7 × 8/2 का होल स्क्वायर, 2 से जाएगा 4 टाइम्स, 28 का स्क्वायर कितना होता है 784 × 8, 8 चौका 32, 8 8 56, 3 59, 8 चौका 32, 8 8 64 और 3 67 6 8 7 56 6 62, 62 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो रहा है, फाइंड द सम ऑफ 1³ + 3³ + 5³ + 7³ till 19³। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आप निकाल सकते हैं इजीली, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा 10 टर्म्स तक जाएगा। अब एक फॉर्मूला जनरल फॉर्म, यदि आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो जनरल फॉर्म तो 2n-1 का होल क्यूब आएगा, जहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 से लेकर के 10 तक। अब इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं ऐसे, क्या पहले तो 4n² आ जाएगा, -4n + 1, एन का वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक, जैसे प्रूफ किया था वैसे कर सकते हैं, 4 × σn², जहाँ पे एन का वैल्यू 1 से 10 तक जाएगा, अगेन 4 × σn, जहाँ पे एन का वैल्यू 1 से 10 तक जाएगा, अगेन 1, एन का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो यदि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, तो जो है लगातार जो विषम संख्याओं के घनों का योगफल का फॉर्मूला आपको क्या बताया था मैंने, वो फॉर्मूला था आपको n² × 2n² - 1 था, आप लगा दीजिए यहाँ पे, n चूंकि कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100, 2n² यानी कि 200 में से एक जाएगा 199, 199 गुना 100 क्या हो जाएगा 19900 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन जस्ट पीछे वाला है, आप देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19900 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप थोड़ा सा आप लोग के लिए जरूर फायदेमंद ये सेशन रहा होगा, इस सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं।
तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, कैसा लगा आप हमको जरूर बताइए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों को भी शेयर कीजिए। यदि आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों ग्रुप्स का लिंक मैं वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।